सर्दियों का सीजन शुरू होते ही कांगड़ा जिले की पोंग डैम झील प्रवासी पक्षियों से गुलजार होने शुरू हो जाती है। हजारों की संख्या में पहुंचने वाले कई प्रजातियों के जलचर पक्षियों की अटखेलियां से समूची झील आकर्षण का केंद्र बन जाती है, जिसको मद्देनजर रखते हुए वन्य प्राणी विभाग भी हर साल मुस्तैद हो जाता है और यहाँ पर आने वाले सैलानियों से भी इन रंग बिरंगों पक्षियों के नजर दीदार के लिए पैसे वसूल करता है। मगर इस बार वन्य प्राणी विभाग के सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। दरअसल यहाँ इन प्रवासी पक्षियों की अचानक से मौत होने शुरू हो गई है। महज कुछ दिनों में 450 से भी ज्यादा पक्षी काल के गाल में समा गए हैं, तो कुछ को तड़प तड़प कर मरता हुआ भी पाया गया है। पक्षियों की यूं अचानक से हो रही मौत सभी के लिए असमंजस का कारण बन चुकी है। असंख्य जलचर पक्षियों की अचानक से हुई मौत को मद्देनजर रखते हुए विभाग भी सकते में आ गया है और आकलन से ये किया जाने लगा है कि कहीं पोंग डैम के किनारे बीसी गई गेहूं में डाली गई कीटनाशक दवाइयों ही इन पक्षियों के लिए जानलेवा तो साबित नहीं हो रही। हालांकि विभाग अभी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचा, मगर इस एंगल से भी जरूर देखा जा रहा है। फिलहाल विभाग की ओर से मृत पक्षियों का विसेरा और लेकर लैब में भेजा गया है, साथ ही बिस्तरा रिपोर्ट आने के बाद ही इस बात का खुलासा हो पाएगा असल में इन पक्षियों के अचानक से मरने की वजह क्या हो सकती है। दही वन्य प्राणी विभाग के मुखिया अरुणपाल उपासना सिंह की माने तो उन्होंने इस पूरे मामले को अपने उच्च अधिकारियों के समक्ष भी उठाया है। साथ ही इस मामले की गंभीरता को मद्देनजर रखते हुए जिलाधीश राकेश प्रजापति ने भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही अब पोंग डैम के किनारे होने वाली पर्यटन गतिविधियों को भी 31 दिसंबर से तत्काल प्रभाव पर रोक दिया गया है और 10 किलोमीटर के दायरे में कोई भी पर्यटन एक्टिविटी नहीं हो पा रही है। उपासना सिंह ने बताया कि मरे हुए पक्षियों को देखते हुए किसी बीमारी से भी इंकार नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्हें तुरंत वहां से हटाया गया है ताकि अगर ये बीमारी हुई तो पोल्ट्री और जानवरों में ना फैल सके। देखिए, ये बहुत ही वैसे तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो हमारे माइग्रेटरी बर्ड्स आ रहे हैं उसमें इस तरह की जो है वो सस्पेक्टेड मोर्टैलिटी हो रही है। तो सबसे पहले तो ये 28 को नोटिस में आया था फतेहपुर एरिया में हमारे, और उसके बाद जो है डीएफओ वाइल्ड लाइफ हमीरपुर और उनकी जो टीम है, मैं तो छुट्टी चल रही थी, फिर मुझे डायरेक्शन आई ऊपर से कि आप तुरंत छुट्टी से वापस आएँ और जाएँ मौके पर। तो मैं भी जो मौके पे पहुंची और फिर डीएफओ वाइल्ड लाइफ हमीरपुर और उनकी टीम जो है वो 30 से ही वहाँ पे, 29 से तो टीम काम कर रही थी, 30 को डीएफओ साहब भी वहाँ पहुंच गए थे, 31 को और 30 को हम लोगों ने जो है वो सारा एरिया छाना, चप्पा चप्पा छाना, तो काफ़ी संख्या में हमें जो है वो कारकासिस बर्ड्स के मिले। ये कहना तो बड़ा कठिन है कि रीज़न क्या है, उसके लिए हम जो है वो सैंपल भेज चुके हैं ऑलरेडी बर्ड्स के, जलंधर भेजा है सैंपल और बरेली भी भेजा है। 31 की तारीख को पालमपुर वेटनरी कॉलेज से भी एक एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राकेश आए थे और हमारे दो वेटनरी डॉक्टर हैं एमएससीज में, डॉक्टर विपिन और डॉक्टर सुगम, उन्होंने वहाँ मौके पे पोस्टमार्टम किया, हम भी वहीं थे, फिर 17 सैंपल लिए और वो सैंपल जो है वो जो वेटनरी इंस्टीट्यूट की ही वाइल्ड लाइफ स्पेशल जो विंग है वहाँ पे बरेली में इज्जत नगर में, वहाँ पे हमने जो है वो आइडेंटिफिकेशन या डिजीज़ क्या है वो जानने के लिए सैंपल भेजे हैं। इन द मीन टाइम जो है वो भोपाल से भी हमें मैसेज आया है कि और 5 जो है वो आप सैंपल भेजें, तो वो भी भेजे हैं। तो एग्जैक्ट कॉज जो है वो तो तभी पता लगेगा कि रीज़न क्या है जब हमारे पास पैथोलॉजी की रिपोर्ट आ जाती है, लेकिन हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि जिस तरह से ये मिस्टीरियस डेथ हो रही है, हो सकता है कि कोई फ्लू हो या कुछ ऐसा हो, पर अभी दावे से नहीं कह सकते कि क्या है। हाँ, ये और ना फैले इसके लिए जो है हम लोगों ने प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हैं। हम लोगों ने जो है वो वाइल्ड लाइफ विंग जो है पूरे मनोयोग से चप्पा चप्पा छान रहा है, बोट में जा रहा है, ट्रैक्टर यूज कर रहे हैं और जो कारकासेस हमें मिल रहे हैं उसको हम इकट्ठा कर रहे हैं और उसके बाद गड्ढा खोद के उसको लाइम और नमक के साथ नीचे दबा के और साथ में जला के जो है उनको ख़त्म किया जा रहा है, ताकि अगर इन केस अगर वो मतलब कोई बीमारी है तो वो फर्दर ना फैले और फिर उसे कवर कर दिया जा रहा है गड्ढे को। तो जहाँ जहाँ हमें मिल रहे हैं वो इस तरह से कर रहे हैं। तो प्रजातियों का आपने पूछा, तो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टेड है वो है बार हेडेड गूज। वैसे जो वहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स में सबसे ज़्यादा पक्षी आते हैं उनमें बार हेडेड गूज ही होता है, तो मैक्सिमम नंबर अभी तक उसी का नोटिस किया गया है, लेकिन उसके अलावा तकरीबन 15-1 प्रजातियाँ जो हैं वो प्रभावित पाई गई हैं। उसमें कॉर्मोरेंट है, रिवर टर्न है, ब्लैक हेडेड गल है, ब्राउन हेडेड गल है,
थिकनी है, सिट्रिन थिकनी है, और क्या कहते हैं उसको, पिन टील, कॉमन टील भी है, शॉवलर भी पाए गए हैं, ग्रे लैगूज भी पाए गए हैं।